हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज किचन टिप्स है, पांच किचन टिप्स है। उसमें देखिए, ग्रीन वेजिटेबल को हम लोग कितने दिन तक अच्छे तरीके से रख सकते हैं सेफ। तो टिप्स नंबर वन, मूली, गाजर ये सब है, पत्ती के साथ आप रखें और इसको प्लास्टिक में रखें फ्रिज में, तो ये बहुत दिन तक रह सकते हैं। बहुत दिन तक आपको, एक हफ्ता तक आपको इसी तरह हरा रह सकता है। जैसे देखिए, ये पत्तियाँ लगा हुआ है, इसके साथ ही हम इसको साफ करके फिर से डाल देंगे। ऐसे देखिए, गाजर है, ऐसे आप काट देते हैं इसको तो ये कम दिन तक टिकाओ और सूख जाएगा धीरे धीरे। और अगर इसको पत्तियाँ साथ नहीं रख सकते, पत्तियाँ थोड़ा गंदा है, तो थोड़ा सा पत्तियाँ काट दीजिए, लेकिन इसको ठीक से देखिए, इसी तरह पत्तियाँ काट दीजिए, इसका डंठल इसमें लगा रहने दीजिए, ये नहीं सड़ेंगे जल्दी से। देखिए, ये बहुत दिन तक इसी तरह इसे रखिए और इसको प्लास्टिक में डालिए और फ्रिज में रख दीजिए, ये खराब नहीं होंगे, बहुत दिन तक आपका टिक जाएगा और उसी तरह ताज़ा ही रहेंगे, सूखेंगे नहीं ये। और दूसरा जो कि हम लोग है, ये धनिया की पत्ती, सबको साफ कर लें, मार्केट से लाए उसको साफ कर लें, इसको फिर प्लास्टिक में डाल दें। ऐसे ही देखिए, इसको साफ कर लेते हैं, उसको फिर प्लास्टिक में डाल के फ्रिज में रख दें, ये हरे हरे रहेंगे, इसका कलर थोड़ा सा भी डिसकलर नहीं होगा, ये हरे हरे दिखेंगे, जैसे लाए मार्केट से वैसे ही दिखेंगे। बस इसको ला के साफ कर दीजिए, फिर उसी तरह रख दीजिए, हरी मिर्च रहे, धनिया रहे, ये सारे। टिप्स नंबर टू, इसमें देखिए, जैसे किचन में हम लोग बर्तन धोते हैं, देखिए ये चाय का सस्पेन है जो कि बहुत ज़्यादा जल जाता है, कभी चाय बनाते हैं तो इसको धोने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसके लिए आप गर्म पानी इसमें थोड़ा सा गर्म कर लें पानी, और गर्म होने के बाद ये सस्पेन भी गर्म हो जाएगा। और ये पानी जो गर्म हुआ, इसमें आधा लीटर आप पानी डालें, और किचन में जो बेसिन में बर्तन है वो बर्तन में भी आप डाल दें, तो वो बर्तन बहुत जल्दी धुल जाएंगे। इसमें पानी जैसे डालेंगे तो ये भी गर्म हो जाएगा, पानी भी गर्म हो जाएगा, और एक ही में दोनों काम हो जाएगा। अब ये इस सस्पेन भी अच्छी तरह से धुल जाएगा, और इस गर्म पानी से आपके बेसिन में जितने बर्तन हैं वो बहुत जल्दी धुल जाएंगे, और बहुत अच्छे से तेल उसका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा तीसरा टिप्स है, जैसे हम लोग देखिए रोटी बनाते हैं, किचन में कोई भी काम करते हैं, ऑरेंज का छिलका अभी आ रहा है, इस छिलके को आप गैस के नीचे रख दीजिए, थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी स्मेल आती रहेगी, भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी किचन में, और ये ड्राई भी हो जाएंगी, और इसको आप स्किन में, होम रेमेडी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी होते हैं। टिप्स नंबर फोर, इसमें देखिए, जैसे हम लोग दूध गर्म करते हैं तो वो दूध जो क्रीम सब बच जाता है तो उसको हम लोग धो डालते नहीं, उसमें आप आटा मिला दीजिए, रोटी भी सॉफ्ट बनेगा, और क्रीम का क्रीम भी बच्चों को, क्योंकि बच्चे अभी क्रीम नहीं खाते हैं, क्रीम भी जाए उसके, देखिए उससे क्रीम भी मिल जाएंगे, आटा भी बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे, रोटी सॉफ्ट रहेंगे, बहुत देर तक रोटी सॉफ्ट रहेंगे, और देखिए ये बर्तन भी आपका साफ हो जाएगा बहुत आसानी से, ना ये कुछ बर्बाद हुआ, और इससे आपको फायदा हुआ कि क्रीम भी खा लिए। देखिए, और रोटी बनाने के बाद जो होता है कि आप लास्ट रोटी उसी में छोड़ दें, क्योंकि वो गाय को या कुत्ते के। टिप्स नंबर फाइव, इसमें जैसे हम लोग क्रीम रूम जो है मक्खन निकालते हैं, तो उसके बाद आप गर्म पानी से बर्तन को धो दें। तो वीडियो कैसा